भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। उनके साथ यह हादसा शुक्रवार को सुबह दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ। इस दौरान ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार सड़क डिवाइडर से टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी ओवर स्पीडिंग के चलते ऋषभ पंत की गाड़ी का चालान दो बार कट चुका है। 22 फरवरी 2022 और 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश में ऋषभ पंत की कार ओवर स्पीडिंग के चलते कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद राज्य ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्रिकेटर की गाड़ी का 2,000 रुपए का चालान काटा गया था। हालांकि चालान की राशि जमा न होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही चालान की राशि का भुगतान क्रिकेटर की ओर से अब तक नहीं किया गया है।